बड़ी रोचक प्रेस वार्ता है आपके सामने। आपके सामने एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके विषय में हमारे साथी जयराम रमेश जी अक्सर चुटकी लेते हुए बात करते हैं कि साहब एक वॉशिंग मशीन में कोई गया और साफ हो गया। आज वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं, चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता, लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। ये है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए, काम आएगी, कितना ही पुराना दाग हो। वैसे ये 10 साल पुराने दाग धोने में बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती है, 2014 से पहले के जितने दाग हो। ना केवल ये तेजी से सफाई करती है, आप बहुत हैरान होंगे जानकर, इसमें एक स्पिन का बटन भी है, स्पिन। वो स्पिन का बटन अगर आप दबा दें तो फिर कोई घोटालेबाज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, स्पिन हो जाता है पूरा गोल। जो कल तक घोटालेबाज था आज वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, ईमानदार हो जाता है। ये दूसरा बटन है स्लो बटन, आप देखिएगा ध्यान से। स्लो बटन क्या है कि किसी जांच को धीमा करना हो, उससे पहले बात कर लो, बीजेपी में आ जाओ साहब सब ठीक हो जाएगा, वो हाँ सोच रहा हूं कहेगा तो स्लो बटन में चला जाएगा, तो जांच धीरे हो जाएगी, कार्रवाई ढीली पड़ जाएगी, फाइल कहीं नीचे ईडी के ऑफिस में या सीबीआई के ऑफिस में कहीं नीचे चली जाएगी। ये इस मशीन का चमत्कार है, ये इस मशीन का जादू है, इसीलिए इसको जादुई मशीन कहा जाता है। फिर जब तक इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है, पहले देखिए इस पे जो लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं, अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है, वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है, अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी, अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया, देखना क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है, आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला, कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट है, देख लिया आपने। तो ये जादू आपको दिखाया, आज की प्रेस वार्ता से पहले एक खबर छपी कि श्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने मामला बंद कर दिया। आज से कुछ महीनों पहले प्रफुल्ल पटेल जी ने एनसीपी को तोड़ा, भाजपा के इस वॉशिंग मशीन के गठबंधन में शामिल हुए, इस वॉशिंग मशीन के अंदर गए और बाहर यूं निकल कर आ गए,
ये प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हुआ। ऐसे 21 उदाहरण हैं, अभी आपको मैं प्रेस रिलीज में दे रहा हूं, 21 उदाहरण। हिमंता बिस्वा शर्मा है उसमें, नारायण राणे हैं उसमें, अजीत पवार हैं उसमें, हसन मुशरिफ है उसमें, छगन भुजबल हैं उसमें, अब अशोक चव्हाण जी भी उसमें। और आपको मैं एक एनेक्सर दिखाऊंगा, ये भाजपा ने आरोप प्रफुल्ल पटेल पर लगाए थे, ये देखिए। ये क्या आरोप थे? ये आरोप थे कि एयर इंडिया को लीज पर हवाई जहाज लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी ने, मंत्री जी ने जबरदस्ती फाइल मूव की और लीज पर, पट्टे पर हवाई जहाज लिए, जिससे 3,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। और वो पैसा, आरोप लगाया गया कि हमें मिला यूपीए की सरकार में। हमने उस वक्त सीएजी, क्या नाम है उनका, आजकल तो सीएजी के नाम भी लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन उस वक्त के सीएजी का नाम तो सबको याद है, विनोद राय हुआ करते, कठपुतली थे, डोर जिसके हाथ में थी आज वो सत्ता में है। तो सीएजी ने अनाप शनाप लंबी चौड़ी उसमें टिप्पणियां की, आप लोगों ने खूब चलाई वो टिप्पणियां, और उन सब रिपोर्ट्स का लाभ लेते हुए आज नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर सवार होकर बैठे। या तो प्रफुल्ल पटेल जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, और अगर नहीं किया तो ये आरोप झूठे थे। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए प्रफुल्ल पटेल से, यूपीए से, कांग्रेस से, इस देश से, इस देश के पत्रकारों से, इस देश के एक्टिविस्ट से, इस देश के तमाम उन नागरिकों से जिन्होंने उस रिपोर्ट को और नरेंद्र मोदी की बात को गंभीरता से लिया था। अगर वो ईमानदार थे तो ये आरोप झूठे थे। और मैं प्रफुल्ल पटेल जी से भी आग्रह करूंगा, हिम्मत दिखाइए, ठोक दीजिए मानहानि का दावा नरेंद्र मोदी पर, हिम्मत दिखाइए। अब तो क्या, अब तो आपके पास ये हो गया, अब तो आप साफ हो गए, अब थोड़े वापस से फाइल खुलेगी। और अगर ये आरोप सच्चे थे तो ये फाइल क्यों बंद हुई, ये केस क्यों बंद हुआ? दो ही चीजें हो सकती हैं, या सच था या झूठ था। झूठ था तो माफी मांगिए, सच था तो आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में वो क्या कर रहे हैं, फाइलें क्यों बंद हो रही हैं? ये सवाल जायज है, ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल आपके मन में है, आप पूछ पाते हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं पूछ पाते तो मन में रख लेते हैं, लेकिन ये सवाल देश का हर नागरिक पूछ रहा है। एवरी सिंगल इंडियन वॉन्ट्स टू नो द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट पीपल लाइक मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, पीपल लाइक मिस्टर अजीत पवार, पीपल लाइक मिस्टर छगन भुजबल, वर दे राइट? If the charges were right, what are they doing in your alliance? Why are their cases being closed? And if the charges were wrong, why were they wrongly accused? Please apologize, Mr. Modi. तो ये आपके सामने, ये वॉशिंग मशीन का जो हमने किया, सिर्फ ये दर्शाने के लिए किया कि एक के बाद एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, आप लोगों की पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आपकी पत्रकारिता ने इन आरोपों पर जमकर चर्चा की थी। इस देश की राजनीति का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के सीएजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश की एजेंसीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है, क्योंकि अब यह मजाक क्रूर हो गया, इट्स अ क्रूअल जोक नाउ। मतलब कोई इतनी बेशर्मी से कोई ऐसा कोई करे, कभी कभी इतिहास में इस देश ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन हम आपको बेच नहीं पाएंगे, ना आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन तो सिर्फ एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन इस वॉशिंग मशीन की बात आप लोग छापिएगा और दिखाइएगा जरूर, यह देश को जानने का हक है। और इस वॉशिंग पाउडर के विषय में भी आप जरूर लोगों को दिखाइएगा। आप सबको ये कॉपी दे रहे हैं, ये कॉपी आप संभाल के रखिएगा, ये इस लोकतंत्र में, ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली नस्लों को जरूर दिखाइएगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आई थी, एक वॉशिंग पाउडर ऐसा आया था जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देता था। जरूर बताइएगा।
इससे अच्छी शिक्षा आप अपनी आने वाली नस्लों को नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। आपके सवाल इसी पर फोकस रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। मुझे सिद्धार्थ जी एक बात बताइए, 2019 की बात है, मुझे अभी याद आई, भाजपा ने, और मुझे हैरानी होती है प्रफुल्ल पटेल जी पर कि वो क्यों ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं। 2019 में भाजपा ने इतना घिनौना आरोप प्रफुल्ल पटेल जी पर लगाया कि वो 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी इकबाल मिर्ची के साथ एक संपत्ति सौदे में शामिल थे। बड़ी डिबेट्स हुई, मैं खुद गया कई डिबेट्स में। कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं वो? सिर्फ इस एक टी शर्ट के लिए तो नहीं बर्दाश्त कर रहे होंगे, कारण क्या है वो बर्दाश्त कर रहे हैं? इतना कोई, इतना बड़ा आरोप कोई मुझ पर लगा दे तो मैं तो 10 अदालतों में जाऊंगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहता हूं, क्या वो आज भी इकबाल मिर्ची वाली बात पर कायम है? क्या प्रफुल्ल पटेल जी की इकबाल मिर्ची से कोई संबंध था? संबंध था तो प्रफुल्ल पटेल जी का नरेंद्र मोदी से क्यों संबंध हो गया, और नहीं था माफी मांगे। हम चुनाव के बाद क्या क्या करने वाले हैं वो आप देखेंगे, रोज आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। और ये अधिकारी जो इनकी कठपुतली बने हुए हैं, ये भी आज कान खोलकर सुन लें, एक एक को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वो कितना ही आला अधिकारी हो, किसी भी एजेंसी का अधिकारी हो, जिस तरह से इस देश में मजाक बनाया जा रहा है एजेंसी का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बदलने दीजिए, बहुत कुछ बदलेगा। फोटो तो ले लीजिए वॉशिंग मशीन की, और इस पे कोई सवाल हो तो आपका बिल्कुल पूछिएगा। प्रफुल्ल पटेल के अलावा 21 और बड़े नाम हैं जो इस वॉशिंग मशीन में तथाकथित रूप से गए और बाहर जब निकले तो उनको क्लीन चिट मिल चुका था, ऐसे कितने लोग हैं और किस किस पॉलिटिकल पार्टी से वो बीजेपी में गए? मैं ये लिस्ट आपको साझा कर रहा हूं, इसमें 51 नाम तो ऐसे हैं जिनको मैं तारीख के साथ आपको बता रहा हूं। मैं एक दो उदाहरण दे देता हूं आपको। सितंबर 2018 यानी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले, हमारे जो उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष थे बघेल साहब, उन पर सीबीआई की चार्जशीट लगाई गई थी। जनवरी 2019 यानी कि लोकसभा के 4 महीने पहले, हुडा साहब पर सीबीआई ने एक मामला खोला था। ऐसे मैं आपको 51 उदाहरण दे रहा हूं जो विपक्ष के नेताओं के साथ सीबीआई और ईडी ने किया। उसके बाद एक और लिस्ट में आपको दे रहा हूं, जो ऐसी लिस्ट है 21 लोगों की, मुकुल रॉय से शुरू होती है जो टीएमसी से फिर चले गए, तो सीबीआई ने जो नारदा और शारदा स्कैम था उसका क्या किया पूछ लीजिएगा। सुवेंदु अधिकारी नंबर 2, नंबर 3 हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, मिथुन चक्रवर्ती, सोवन चैटर्जी, वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, अजीत पवार, हसन मुशरिफ, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, फिर 2 और हैं, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वी विजय साई रेड्डी। ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं, आप ये देखिएगा कौन सी पार्टी के हैं, आपको खुद सारे जवाब मिल जाएंगे। ये लिस्ट भी मैं आपको, मैं संजीव जी से आग्रह करूंगा कि ये सारा आपको अभी भेज देंगे। शुरू हो गई है कि जेल जाने से बेहतर है भाजपा में चले जाइए। बिल्कुल, और हम सब ये सवाल हमारे मन में है, और प्रफुल्ल पटेल जी हिम्मत दिखाएंगे तो उनके मन में भी है और मुंह पर भी लाएंगे ये सवाल कि साहब मैं अगर ईमानदार था तो मेरे पर आरोप क्यों लगे, और मैं अगर बेईमान था तो अब मेरे को क्लीन चिट क्यों मिली। एक लाइन का सवाल है, ये सबके मन में है। शरद पवार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी में चले गए या उनके गठबंधन में चले गए तो ईमानदार हो गए, हमारे साथ थे तो बेईमान थे। वेर आर दोस चैनल जो वो सीएजी रिपोर्ट्स बहुत दिखाते थे, आज कोई पूछ नहीं रहा इस बारे में।
मैंने एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था कि दाऊद इब्राहिम के क्या रिश्ते हैं प्रफुल्ल पटेल से, मेरे को अच्छी तरह याद है। कहां है वो चैनल, क्यों नहीं पूछ रहे आज? मैं बताता हूं ना क्या जवाब मोदी जी देंगे कि दाऊद इब्राहिम से क्या रिश्ते थे प्रफुल्ल पटेल के। इस मशीन में दाऊद इब्राहिम को डालो, देखो क्या निकलता। हो सकता है कोई राज्यसभा का सांसद बन के निकलेगा बीजेपी का। No one. If India bloc comes to power, will you also go after these politicians who are you are saying that have gone to the BJP and their past record has been? Well, we have always maintained that all these so-called scams which the BJP spoke about were fake. All the so-called reports that the so-called CAG called Minister Vinod Rai, who was a puppet in the hands of the current regime, were fake. But we'll definitely go after every single officer of these agencies who has willingly become a party to undermining our democracy and our constitution. No one will be spared. Thank you. आज कर्नाटक के एक जाने माने राजनीतिक नेता जो सांसद रह चुकी हैं और विधायक भी रह चुके हैं, डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा, वो वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आ रही हैं। एक तरफ से तरह से देखा जाए ये उनके लिए घर वापसी है, तो हम उनका स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जो प्रचार अभियान होगा हमारा कर्नाटक में, तेजस्विनी गौड़ा जी उसमें बहुत सक्रिय होंगी। जब वो सांसद थी, कांग्रेस पार्टी की सांसद थी 2004 और 2009 के बीच में, वो एक बहुत इफेक्टिव सांसद हुआ करती थी और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी और हमें बहुत खुशी है कि वो वापस कांग्रेस पार्टी में, जो उनका असली घर है, वहाँ वापस लौट आए हैं। टुडे आई वेलकम डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा, हु इज एन एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। शी हैज वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियाज बॉर्डर्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। She has been an academic, she has been an MLA, she has been an MP, she was a very effective Congress MP, 2004 to 2009. She has come back to the Congress. She had left the Congress for some personal reasons and she has now come back to the Congress, and she will undoubtedly play a very important role in not only the forthcoming 2024 Lok Sabha election campaign in the state, but in making the Congress even more strong than it is in Karnataka particularly. So I welcome her back. She's back to her original home, and great happiness that I welcome her. I request Pawan Khera ji to formally bring her back into the Congress Party. I will now ask Dr. Gowda to say a few words on this happy occasion.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಎ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ 2004. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ gave me, they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Devegowda ji, in Karnataka. They trusted the intellectualism or academic this thing, and with God's grace I made it. People of Kanakapura, people of Karnataka always admired my sincere work in journalism. I contributed to strengthen the democracy. Nobody can defeat our morality. This is the time for me to thank my sincere thanks to honorable former Congress president, who was always my inspiration, Shrimati Sonia ji, who was also UPA chairperson, and also Shri Rahul Gandhi ji. Nobody knows like what I know him. He always encouraged us. He is the man who introduced the internal democracy in true sense to the democratic system, organizational internal democracy. I have seen him as my colleague, as my brother, as my leader. And Priyanka ji always encouraged the woman. Even you can see in UP what happened, how winning, losing is in the hands of the people. Who are we to say Jyotish batane ke liye? But it is in the people. Congress party always trusted the people of India. That's why in the hard time, in the best time, this is the party which is going to cherish. And with all my confidence, I'll tell you, in 2004 I entered the Congress. It was Atal Bihari Vajpayee ji who was leading. Nobody believed at that point of time. Us time ka mudda kya tha? Sonia ji ka foreign origin mudda. That type of tough time in Congress never it will see. That was the toughest time. But people of India blessed the Congress party, defeating whatever the at that point of time the beliefs, and UPA came to power. That is the history 20 years back I am telling. And now for me few things are very important. Now the tallest leader, the legendary statesman from Karnataka, Shri Mallikarjuna Kharge ji, is heading Congress party. It is an honor to Karnataka and for me particularly personally. And KC Venugopal ji is again from the south state. They were all working very hard to strengthen the party. And Surjewala ji, of course, Jairam Ramesh ji is like always my inspiration and our strength when we were MPs, young MPs. They used to mould us, like, you know, no words to thank him. And Surjewala ji, again, nobody believed. Unless we achieved, nobody believed, because everybody taken over by the, you know, media sayings and all. But that's not the thing. In Karnataka, it happened. Getting 136 is not an ordinary task. Under the eminent leadership of an architect of Karnataka, he is the popular mass leader, always the champion of the common, as that Sri Siddaramaiah ji as a chief minister, and Shivkumar ji, our KPCC president, and also deputy chief minister, our Shivkumar ji, they all contributed. Karnataka proved it. I would like to draw your attention for two things. How Karnataka played historical role when the whole nation demoralized the Congress during Indiraji. This is the land of democracy in Karnataka. Congress revived. Madam Indiraji bounced back to get the power in the center. And second incident, when Sonia ji entered the politics, everybody raised so many issues, but there was a big fight between Andhra and Karnataka from where Sonia ji to fight. Of course, Amethi was their homeland. But Madam Gandhi chosen Karnataka's Bellari with thumping majority. Sonia ji's leadership been accepted from Karnataka. So this is the brief history I would like to say. This is the high time. Believe me, this is the high time why I left the BJP. Let you tell me, I spent my 9.5 years in Congress.
I got 3 opportunities to fight the elections. I am penniless person. I am very proud to say that. Even my deposit money paid by Congress Karyakartas when I contested first time, even today I am an ordinary, I am a salaried person living with my journalism background. And I am from very, very humble background, even no panchayat member, nothing. My parents never understood what is MP when I became the MP. That's my background. That is the faith, that is the strength. That value should not go. Today, BJP doesn't believe in constitutional democratic values. If everything is good, let me ask 3 questions. Why sitting ministers has been changed their constituencies in Karnataka? मोदीजी का इतना चलता है, दुनिया भर नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है. Why sitting central minister from Chitradurga you saved? Everything is, they can get the victory on your name. And why you have changed the Udupi Chikmagaluru sitting MP and sitting woman minister for that matter? Why go back? Hangama chal raha hai. Idhar bhi go back hai, udhar bhi go back hai. Why? If everything is all right, I think you are all very sensitive, and we believe in the democracy in the hearts of the people. They will ensure the numbers, because again I will recall 2004 is in front of us. So this is the high time. Let us work for the poor of this nation. Congress party is older than 95 years older than BJP party. Congress party is a historical political party. Congress party became a political party to realize the true dreams of the Indians. And Sonia ji's 2-decade leadership really, really strengthened the democratic process in India. It is the party who successfully led the coalition governments in national level. Yes, I do understand this is a tough time. Yes, Congress is down but not out. This is the high time to strengthen the democratic political values in this country and to save the constitutional values. We have to strengthen. It is everybody's responsibility to strengthen the Congress party today. It is the ultimate, a very liberal, a truly democratic political party. With all my sincerity, I would like to, why I am delayed, Jairamji, because till the distribution of the tickets, because I served in BJP. I asked the ticket in BJP for Mysore Coorg. Many people, because they misunderstood. Yes, when parliament attack hua, maine itna hi kaha, not even outside I asked the ticket. Not even one, as a disciplined cadre of political party, not even openly I asked my ticket. With all my leadership there, I told not to support, whether intentionally, unintentionally, parliament attack to hua, passes to issue kiya, law agencies has to take care of their own process. But why you supported that MP? Aapka mansha kya tha? To support one MP, you suspended 141 MPs. Is this, it cannot be justified. And that's it. There now Maharaja is fighting. In case if they deny the ticket to that MP, I asked a ticket because I am a scholar. I am not a moneyed person. Mysore Coorg. And today let me, one more thing. Today is Bharat Ratna issue ho raha hai, like they were awarding. मैं आस्क वन थिंग, आर्टिकल 370 को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया बीजेपी पार्टी ने. व्हाई यू हैव नॉट गिवन भारत रत्न टू फील्ड मार्शल कारियप्पा फर्स्ट? अवर ही इज फ्रॉम कूर्ग, ही इज द मैन हु फॉट सो मेनी वॉर्स विथ पाकिस्तान. सो कांग्रेस बात नहीं करते, काम करते हैं. हिस्ट्री इज देयर बिफोर अस. सो दैट्स व्हाई दिस इज द हाई टाइम. With all sincerity, I would like to work for the party, to strengthen the party. I don't expect anything from Congress party. It is up to the leadership. It is up to the cadres. Happily, I would like to, because in democracy, political parties must sustain without any fear. If there is fair election in Karnataka, let me tell you, more than 23 seats Congress is going to gain under the leadership of Kargeji, Siddaramaya ji and Shiv Kumar ji. All of us were going to out and out, and also at last
how they ditched the Okkaliga leadership in Mysore fold, because I belong to that fold, and their unholy alliance with JDS. Just power mongers. When Yediyurappa ji istifa diya, kya kaha? Because of Bap Beta. Today, on what face they were going to, have campaign in that belt at all? Just their only intention is to power. Just power ke liye kuch bhi karte hai. But in coming days, you are all will be there to see. Karnataka once again will strengthen the Congress party. It will realize the expectation of Congress High Command from Karnataka. We are going to work hard for that. So once again, I sincerely thank our Congress leadership for my induction. It is my homecoming. And as an ordinary journalist, ordinary political scientist, I will continue to work for the RT, whatever energy left in me. Thank you so much, sir. Thank you, Tejaswini. आपने सुना किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी की नाव डूब रही है, डूबी हुई है, और एक उसका मिसाल आप देख रहे हैं कि जो सांसद, जो हमारी सांसद बीजेपी में थी, 9.5 साल बीजेपी में थी, वो आज वापस कांग्रेस पार्टी लौट आई है. हम उनका स्वागत करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि वो सक्रिय होंगी और हमारे चुनाव प्रचार में और हमारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. तो वेलकम तेजस्विनी. थैंक यू.